टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आज का दिन गौ सेवा के लिए समर्पित किया गया, जिसमें गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां गौ माता की सेवा की गई। साथ ही लंपी वायरस को देखते हुए भी सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया और ऐसे लोगों को गौशाला में नहीं आने दिया जो दूसरी गौशाला से होकर आ रहे हैं, ताकि वायरस का किसी भी प्रकार का खतरा गौ माताओं को नहीं रहे। साथ ही गौ माता को टीकाकरण भी लगातार किया जा रहा है। दरअसल अहिल्या गौशाला केसरबाग रोड में गौ सेवा से संबंधित वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आज का दिन गौ सेवा के लिए समर्पित किया गया। गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में अपर कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारी और समाज सेवी शामिल हुए। ये जो निरीक्षण नहीं है, इनफेक्ट आज हमारे जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है शासन के निर्देश अनुसार, उस सेवा पखवाड़े के तहत आज गौ सेवा का कार्यक्रम नियत था, जिसमें कि मध्य प्रदेश की सभी गौशालाओं में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी विभागीय अधिकारी उन गौशालाओं में जाएंगे और वहाँ पर गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसी क्रम में आज जो अहिल्या देवी अहिल्या गौशाला है, जो कि हमारे माणिकबाग रोड पर स्थित है, 161 साल पुरानी गौशाला है, उसमें एक शासकीय कार्यक्रम था जिसमें माननीय सांसद महोदय और जिलाध्यक्ष और पूर्व आईडीए चेयरमैन सब लोग सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, साथ में गौ सेवक भी उपस्थित थे। तो वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था शासन के निर्देशानुसार और उस गौशालाओं में जाकर के गौ भक्तों ने भी गौ सेवा भी की है, साथ में गौ सेवा से मिलने वाले लाभों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया। जी देखिए, लंपी वायरस के चलते बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, उसके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया है। तो जो गौशाला में भी इस बात को प्रतिबंधित किया गया था कि कोई ऐसे गौ भक्त जो दूसरी गौशालाओं से आए हैं वो वहाँ ना जाएं। साथ में जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, तो वेटनरी डिपार्टमेंट पूरे जो उनके पास उपलब्ध वैक्सीन है उसको गौशालाओं में भी लगा रहा है, गौपालकों के यहाँ जाकर के भी लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा पखवाड़ा 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज गौशाला में गौ सेवा की जा रही है। यहाँ पर भी हमने गौ की पूजा की और उनकी सेवा की और क्या और बेहतर हो सकता है उसको लेके हमने विचार किया। आने वाले दिनों में गौ सेवा क्षेत्र में और अच्छा काम हो, आप देखेंगे जहाँ पर यह अहिल्या गौशाला है बहुत ही व्यवस्थित है और उन सब बातों का ध्यान में रखा जा रहा है जो अभी वर्तमान में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी है, खास करके गायों में जो लपसी की बीमारी आई है उसको लेकर यहाँ सब पूरा ध्यान रखा गया है उसका। ये 50 साल पुरानी गौशाला है, बहुत पुरानी गौशाला, इससे भी ज़्यादा, मैं यहाँ 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर अभी शंकर लालवानी जी भी आए थे, उन्होंने विधिवत गौ माता का पूजन भी किया, हालांकि हाथ किसी को नहीं लगाने दे रहे लंपी के कारण। तो यहाँ विधिवत पूजन भी होता है, गोदान भी होता है और गायों की बहुत अच्छे यहाँ सेवा होती है और गाय माताओं के आशीर्वाद से जिसकी भी जो कामना से ये गौशाला में आता है वो व्यक्ति उसकी समस्त मनोकामनाएं गौ माताएं पूर्ण करती है। लंपी वायरस जो है यहाँ जी, किस तरीके से उसको देखा जा रहा है, किस तरीके से गायों को लेकर यहाँ पे जो है लंपी वायरस के लिए हमने किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, वो स्टाफ के अलावा सबको सैनिटाइजर करके अंदर जाने दिया जाता है। समस्त गाय हमारी यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ अभी 400 के समथिंग गाय हैं, समस्त गायें पूरी बिल्कुल निरोगी है, स्वस्थ है, सबको वैक्सीन भी लग चुके हैं और बिल्कुल कोई लापरवाही किसी प्रकार की बरती नहीं जा रही है। जो भी यहाँ कोई रोटी लेके आता है, सब्जी लेके आता है, तो हम बाहर रखवा लेते हैं उनको, फिर सैनिटाइजर करके फिर अंदर गायों को हम खिलाते हैं उस चीज़ों को। मेरा नाम पंडित मुकेश शास्त्री, अहिल्या माता गौशाला से मैं जुड़ा हूँ, वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग से हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।